सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल गुलाम सर कहते हैं कि हर इंसान को सुबह उठते ही ये पांच बातें अपने आप से कहनी चाहिए। नंबर एक, मैं सबसे अच्छा हूँ। और ये बात जब आप खुद से कहते हैं तो आप अपने आप को दुनिया से अलग देखते हो, आपके अंदर विश्वास बढ़ जाता है और इसी विश्वास के साथ आपके दिन की शुरुआत बेहतरीन होती है। मैं ये कर सकता हूँ। हर एक इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं। किसी का सपना होता है एक घर लेना, तो किसी का सपना होता है एक गाड़ी लेना, तो किसी का सपना होता है अच्छी लाइफस्टाइल जीना। हर एक इंसान का अपना अपना सपना होता है, लेकिन कहीं आप ये सोचते हो कि मैं ये घर नहीं ले सकता, मैं कार नहीं ले सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं वो सब नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर आप वाकई में ऐसा सोचते हो तो आप ये सब नहीं कर सकते। यकीन मानिए, आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। इसलिए पॉजिटिव सोचिए कि हाँ, मैं इसे किसी भी कीमत पर कर सकता हूँ। और जब भी आप खुद से बोलोगे तो आप अलग ही तरह के माहौल में होंगे। और जब भी आप अपने आप से बोलोगे तो वाकई में आप इसे जरूर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर तीन, अपने आप से कहे कि भगवान मेरे साथ है और साथ रहेंगे। हम किसी न किसी मोड पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम ये जरूर कहते हैं कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हर बार मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों होता। भगवान पर विश्वास रखे, आपके साथ बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। भले ही वह आपके साथ बुरा हुआ हो, लेकिन किसी और के साथ वह अच्छा हुआ होगा। इसलिए अपने भगवान पर विश्वास करके अपने दिन की शुरुआत करें कि मेरे साथ मेरे भगवान है। पॉइंट नंबर चार, मैं एक विनर हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर हार मान जाते हैं। किसी भी परीक्षा में, खेलकूद में, किसी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में, किसी भी चुनौती से हार जाते हैं, तो वे अंदर से भी हार मान लेते हैं और चाहकर भी फिर वे दोबारा कोशिश नहीं करते। जबकि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए अपने दिन की शुरुआत अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहो कि मैं एक विनर हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ। ऐसा बोलने पर ही आपके काम करने का अंदाज अलग ही होगा। पॉइंट नंबर पाँच, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है और मैं अपना आज 100% दूंगा। आप किसी भी काम को करने में अपना बेस्ट देते हो तो वो काम अच्छे तरीके से होता है। कल तक अपने क्या किया था उसकी परवाह बिल्कुल मत करो। ये नया दिन है, नई शुरुआत करो, नए विचारों के साथ करो, क्योंकि आज मेरा सबसे बेस्ट दिन है। मुझे उम्मीद है कि ये पाँच बातें अपने आप से कहोगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।